हेलो ब्रम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस को हम देखने वाले हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अभी अपन देखने वाले हैं उसको ओके okay? तो चलो अभी अपन सीधे डिफरेंसेस के साइड में चलते हैं आप देख सकते हैं हमारे दो कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम रेप्रजेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड कॉलम रेप्रजेंट्स योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टर्स ओके तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है दिस कैन भी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर सब्सटेंस एंड यहाँ पे क्या 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 बोला दिस कैनट भी ब्रोकन डाउन इन सिंपल सब्सटेंस ओके देन क्या बोला है दे कैन बी रिसाइकल नेचुरली उनको नेचुरली नेचुरली रिसाइकिल करा जा सकता है लेकिन यहाँ पे इनको रिसाइकिल नहीं करा जा सकता नेचुरली किसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेसेस को ओके दैन नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए द देशस आर मेड अप ऑफ नेचुरल इन्ग्रेडियंट्स जो वेस्ट होते हैं जो इससे प्रोड्यूस होते हैं वो नेचुरल इन्ग्रेडियंट्स से बने जाते हैं लेकिन यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेटिस के अंदर क्या बोला है द देशस आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स ये बेसिकली आर्टिफिशियल है जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बने जाते हैं ये नेचुरल इन्ग्रडियंट से नहीं बने जाते ओके नेक्स्ट डिफ्रेंस के अंदर क्या बोला है दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेशन देन यहाँ पे क्या बोला दे रिमेन अनचेंट केमिकली एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडबल ओके नेक्स्ट डिफ्रेंस के अंदर क्या बोला है दे डो नॉट डिस्टर्ब दकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिस्टर्ब दोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर कौन कौन डिस्टर्ब करता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे आई uh, मीन I डिस्टर्ब mean, करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वैसेस होती है वो uh, जो एकोलॉजिकल बैलेंस होती है नेचर के अंदर उसको डिफ्रेंस नहीं करते आई I मीन mean, उसको डिस्टर्ब नहीं करते ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए परिस फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल्स इन दी मूवमेंट और यहां पर बोला नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल्स इन द एनवायरमेंट ओकेस्ट डिफरेंसाउट एग्जाम्पल्स तो बायोडिग्रेडेबल बेसिस का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है पेपर uh, हो सकता है काउडंग हो सकता है वुड क्रम्बल्स एक्सेट्रा देन यहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिस का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं कैंस हो सकती है एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहां पर क्या बोला दे पल्यूट द एनवायरमेंट ओनली when Uh, क्या बोला है दे uh, कंटिन्यू uh, so पे दे रखा है दे पोल्यूट दी एन्वायरमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन एक्सेस जब जब जो जब, 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 जब uh, बायोडिग्रेडेबल बेस्ट होती है जब उनको एक्सेस में प्रोड्यूस करा जाता है तभी वो एन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं लेकिन यहाँ पे uh, यहाँ पे क्या बोला है दे पोल्यूट दी एन्वायरमेंट इवन वेन दे आर इवन वैन दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉलर क्वान्टिटी जो नॉन uh, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिस होती है अगर आप उनको छोटी क्वान्टिटी में स्मॉलर क्वान्टिटी में भी प्रोड्यूस करोगे तो वो तो, तो वो एनवायरमेंट को प्रोड्यूस करेंगे ओके नेक्स्ट अपने डिफरेंस के अंदर क्या बोला है दे आर नॉट हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स लेकिन यहाँ पे क्या बोला है दे आर हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लास्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है दे आर ऑर्गेनिक दे आर नॉट ऑर्गेनिक ठीक है तो दिस वेर आर डिफरेंसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टर्स